स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की पोएम अमांडा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप सो आप इसको एंजॉय करोगे और आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, पोएम का टाइटल है अमांडा एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन ने इसको कंपोज्ड किया है। इस पोएम के अंदर जो पॉइंट है वो फोकस करता है एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पे, और जिसका नाम अमांडा है। सो अमांडा जो है एक चाइल्ड है और उसके पेरेंट्स, जैसे आप सब बच्चों को आपके पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और उस इंस्ट्रक्शन के दौरान वो बच्चा कैसे फील करता है ये सारा इस पोएम में बताया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसका एक वंडरफुल मैसेज है दैट शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। सो पोएम स्टार्ट होती है, एक इस पोएम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है, यहाँ पे हर एक स्टैंजा के बाद जो सेकंड स्टैंजा है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो जो ब्रैकेट के अंदर स्टैंजा है वो अमांडा की फीलिंग्स हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन सोचती है और वो अपनी फ्रीडम की उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो उसको एक्सप्रेस करती है। सो स्टूडेंट्स, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन टाइम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा या अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। पहला है आपका स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। तो एक सडन इमोशन के साथ वन ऑफ अमांडाज पेरेंट्स इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा। अमांडा को इंस्ट्रक्शन देता है, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। सो जनरली ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो मदर देती है। तो अमांडा को बोला जाता है कि अमांडा तुम अपने जो नेल्स हैं उनको मत काटो, जैसे बच्चे अपने नेल्स को मुंह में लेके उसको काटते रहते हैं, तो वैसे ही जो चाइल्ड है वो एक नॉर्मल चाइल्ड है और उसको वो सेम वही सारी चीज़ें कर रही है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अपने नेल्स को तुम बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच होता है टू बैंड बैक और शोल्डर्स एंड मेक अ राउंड, कि शोल्डर्स को घुमा के या कमर को ऐसे झुका के बैठ जाना जिससे कि एक सर्कल सा राउंड सा बन जाता है। तो ऐसे बच्चे झुक के बैठते हैं, अमांडा भी वैसे ही बैठी हुई है। तो पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब झुका के इसका सर्कल मत बनाओ, झुक के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो स्लाउचिंग का मतलब होता है टू सिट इन अ लेज़ी वे में बैठना। तो पेरेंट्स अमांडा को बोलते हैं कि ऐसे लेज़ी वे में अपनी बॉडी को झुका के मत बैठो, और अपने स्ट्रेट होके सीधा होके बैठो, जैसे कि नॉर्मली आप बच्चों को भी आपके पेरेंट्स जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो अब सेकंड स्टैंजा जो है ब्रैकेट में है, यानी कि अमांडा इस इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद में क्या फील करती है, उसके मन में क्या चलता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। देयर इज लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है। शी वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ से वो चले जाना चाहती है, और वो सोचती है कि वो एक ऐसी मरमेड की तरह, एक फेरी की तरह जो है रहना चाहती है एमराल्ड सी के अंदर, एक सी के अंदर जहाँ पे और वो सोल हैबिटेंट है, वहाँ पे और कोई भी नहीं रहता, सिर्फ वो अकेली रहती है। और वो अकेले क्यों रहना चाहती है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पे मूव कर सकती है लाइक अ मरमेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अकेली एक सोल इनहैबिटेंट होगी और कोई उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा। यहाँ पे है लिखा हुआ है सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, मी रेफर्स टू अमांडा, अमांडा को रेफर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अमांडा ने अपने मन में सोची है कि वो एक, काश वो एक मरमेड बन जाए, और जहाँ वो बहुत ही एक जो काम जो है शांत एक सी है वहाँ पे जाके वो रहे और वहाँ पे वो अपनी मर्जी से मूव करे। आप थर्ड स्टैंजा के अंदर दोबारा से फिर पेरेंट्स जो है अमांडा को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चों से पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया था, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा।
आई किसको रेफ़र करता है? आई रेफ़र करता है अमांडा के पेरेंट को। तो अमांडा के पेरेंट कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि अपना रूम जो है क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया है? और मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ को क्लीन करो अमांडा, क्या तुमने ऐसा कर लिया है? फिर अमांडा वापस से जो है शी मूव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, चली जाती है दोबारा से इमेजिनेशन में चली जाती है। आई एम एन ऑर्फन, अब बच्चे के लिए आप फ्रीडम की इम्पोर्टेंस यहीं से समझ सकते हो। शी विश टू बी एन ऑर्फन, वो चाहती थी कि वो ऑर्फन बन जाए। रोमिंग द स्ट्रीट, जिससे जैसे ऑर्फन बच्चे होते हैं गलियों में घूमते रहते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते तो वो उनको कोई नहीं कहता कि आप गलियों में मत घूमो। दैट्स वाई अमांडा विश्ड टू बी एन ऑर्फन, ताकि वो अपने फ्रीडम को इन्जॉय कर सके। यहाँ पे हम फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे के लिए एक फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंट है, कि वो उसके लिए ऑर्फन बनने के लिए भी तैयार है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। तो कहती है कि मैं मेरे नंगे पाँव से गलियों में घूम रही होती और उससे मैं शांति से जो है अपने जो है जैसे बच्चे अपने पाँव के निशान बनाते हैं मिट्टी पे, वैसे ही मैं अपने पाँव के निशान मिट्टी पे बनाती। फिर साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम को क्लियरली मेंशन भी करती है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, एक कहावत है स्पीच इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्ड। तो कि वो चुप है, कुछ जवाब नहीं दे पा रही है तो वो उसको अप्रिशिएट तो करती है, बट साथ में क्या है फ्रीडम के लिए भी वो क्या करती है, अपने जो है व्यूज़ को एक्सप्रेस करती है कि फ्रीडम इज़ वेरी स्वीट, मीन्स शी वॉन्ट्स टू बी अ फ्री चाइल्ड, फ्री चाइल्ड जो है वो होना चाहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अब पेरेंट्स जो है दोबारा से फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्नी, अपने पिंपल्स को याद रखो। अच्छा, यहाँ पे हमें पोएट ये बताता है कि जैसे जो टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है दे डोंट वॉन्ट टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और एक्नीज़ जो होती हैं वो मोस्टली टीन एज में ही होती है। तो कहती है कि तुम चॉकलेट, जो पेरेंट जो है वो अमांडा को बोलते हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ, अपनी एक्नी को रिमेंबर करो, अगर और चॉकलेट खाओगे तो और भी पिम्पल्स हो जाएंगे, विल यू प्लीज़ लुक एट मी। और जब ये सारी इंस्ट्रक्शन अमांडा को दी जा रही है तो अमांडा जो है ध्यान भी नहीं दे रही पेरेंट्स की तरफ, जैसे कि नॉर्मली बच्चे भी करते हैं। When I am speaking to you, Amanda, तो पेरेंट जो है अमांडा को बोलता है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जब मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो तुम मुझे देखो। इट मीन्स अमांडा इज़ नॉट लुकिंग एट हर पेरेंट, अपने पेरेंट को नहीं देख रही है, बिकॉज शी डज नॉट लाइक इट, वो इन सारी इंस्ट्रक्शन को पसंद ही नहीं करती है। अब दोबारा से नेक्स्ट जो स्टेंजा जो होता है वो आपका ब्रैकेट के अंदर है। आई एम रेपेंचुअल, आई हैव नॉट अ केयर, शी विश टू बी अ रेपेंचुअल, वो एक रेपेंचुअल बनना चाहती है। ये एक फेरी की एक स्टोरी है, जर्मन स्टोरी है, जिसमें एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर क्या है, जो फेरी जो है जिसका नाम रेपेंचुअल है, उसके बहुत लंबे बाल होते हैं और उसको एक विच ने कैप्चर कर लिया है, पकड़ के एक टावर में जो है कैद कर दिया है। लेकिन वो अपनी फ्रीडम के लिए क्या करती है, अपने लंबे बालों को नीचे छोड़ देती है और इस तरह से वो वहाँ से इस्केप करती है। बट यहाँ पे अमांडा इस चीज़ को भी एक अलग तरीके से प्रेजेंट करती है कि लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि ट्रैंक्विल का मतलब होता है रिलैक्स्ड, कि टावर के अंदर अकेले रहना भी रिलैक्स्ड वे में रहना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से जो है अपनी लाइफ को जी सकेगी और ये लाइफ उसके लिए बहुत अच्छी होगी। इट मीन्स वंस अगेन we can see the importance of freedom for a child, एक बच्चे के लिए एक फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देख सकते हैं।
आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और अगर मैं एक रेपेंजल होती हूँ तो मैं अपने बालों को कभी भी अपने आप को बचाने के लिए जो है नीचे नहीं फेंकूँगी, जैसे कि उस फेरी ने किया था उस स्टोरी के अंदर, कि जब वो हीरो उसको बचाने के लिए आता है तो वो कैसे, मतलब टावर के अंदर कैसे जाएगा, तो वो अपने बालों को नीचे जो है थ्रो कर देती है और हीरो जो है उसको बालों को पकड़ के टावर में जाता है और अल्टीमेटली उसको बचा लेता है। लेकिन अमांडा कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि उस टावर में रहना तो बहुत ही अच्छा है, मैं रिलैक्स्ड वे से रहूँगी और मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि ऐसे जो चुप हो तुम, मतलब मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अमांडा के पेरेंट बोलते हैं, तो इस ये सब बंद करो, ये जो अपना सैड वे में तुम गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हो इसको बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम बहुत मूडी हो। यू किसको रेफ़र करता है, अमांडा को रेफ़र करता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, अगर कोई तुम्हें देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम ये सारा जो अपना सैड वे में जो एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हो उसको बंद करो बच्चे और मुझे सुनो। सो दिस इज़ द पोएम। इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।